अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मोलफिक्स पेंट का रिव्यू लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने मोलफिक्स डायपर का रिव्यू दिया था। चूँकि अब मोलफिक्स पेंट पाकिस्तान में भी दस्तयाब है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस रिव्यू को शेयर किया जाए। यहाँ मेरे पास जो है मोलफिक्स पेंट्स 5 नंबर साइज है, जूनियर 11 से 25 kg के बेबीज़ को यूज़ कर सकते हैं और इसमें 52 पीसेस मौजूद हैं। लेटेक्स और पैराबीन से ये फ्री है और ये आपको 52 पीसेस आपको 1600 के अवेलेबल होंगे। प्राइस वेरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ये मोलफिक्स बनाने वाले ने, जैसे कि आप इसकी वेबसाइट देख सकते हो www.molfix.com, वाले मैन्युफैक्चर करते हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये अवेलेबल होगा। पाकिस्तान में ये पहली दफा मोलफिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एलोवेरा पाया जाता है, एनएचएमओल एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से किसी किस्म की बेबीज को एलर्जी नहीं होती है। इसमें एंटी लीकेज इलास्टिक बैरियर है, कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सीबल है और इलास्टिक इसकी बहुत ही अच्छी है, यानी कि किसी किस्म के आपके निशान नहीं पड़ते हैं बेबी की स्किन के ऊपर। इसके अलावा वेट लॉक इंडिकेटर भी है, जो आपको मैं बाद में भी बताऊंगी कि वो क्या चीज़ होती है। और इसके अलावा इसमें सॉफ्ट ब्रीथेबल वेस्ट एंड बेबी के स्किन के ऊपर किसी किस्म के रैशेज के निशानात वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये मैं आपको एक पीस खोल के भी दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूजेज का तरीका भी बताया गया है और इसको खोलने का तरीका भी बताया गया है। ये बिल्कुल पेंट की तरह है और ये वेट लॉक इंडिकेटर है। जब ये चेंज करेगा पेम्पर और डायपर अपना कलर, तो इट्स मीन के ये फुल हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साइड्स हैं, जब आपने उसको खोलना है तो इन साइड्स को आपने फाड़ के आपने उसको खोल देना है। बहुत ही इलास्टिक नरम सी है और अंदर जो मटेरियल डाला गया है वो बहुत ही सॉफ्ट है। किसी किस्म की एलर्जी या इरिटेशन नहीं होती है बेबी की स्किन के ऊपर। ये हमने खुद भी ट्राई किया है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू देना मुनासिब समझा। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेस्ट पेंट में ये आया है मोलफिक्स वालों ने जो इंट्रोड्यूस किया है पेंट डायपर। 1600 का आपको अवेलेबल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।